हम लोग पुशअप्स कर रहे होते हैं एंड पुशअप्स करते करते हम एक कोई गेम खेलते हैं लाइक चेस और समथिंग। सो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी इज अंडर स्ट्रेस एंड आपका जो रिएक्शन टाइम्स होता है उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आप उसके बाद सोच नहीं सकते, आपको एकदम से रिएक्ट करना है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे मैंने मेंशन करा, हमारा हार्ट रेट बहुत हाई होता है एंड हार्ट रेट हाई होने के बाद भी वी हैव टू फंक्शन वेरी स्मार्ट। हमको सिचुएशनल अवेयरनेस होनी चाहिए, बिकॉज एक तो है ठीक है आप कार अपने आप में ड्राइव कर रहे हो, बट व्हेन यू आर रेसिंग आपके अराउंड देर आर 20 मोर कार्स जिनके साथ आप रेस कर रहे हो, और दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम थिंग, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू बीट यू, दे आर ट्राइंग टू गो फास्टर देन यू। सो आप जब उनके अराउंड में हो, यू हैव टू बी रियली अवेयर ऑफ योर एनवायरमेंट, जो कि बहुत ही डायनामिक होता है, इट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कोई कार इधर है, कोई कार इधर है, एंड यू हैव टू फंक्शन। सो टू बी एबल टू ट्रेन द माइंड, एंड जो फोकस की बात होती है कि हम लोग कैसे कंडीशन करें डिसीजन मेकिंग, वी डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस फॉर दैट। आई विल टेल यू अ वेरी सिंपल वन। हम लोग पुशअप्स कर रहे होते हैं एंड पुशअप्स करते करते हम एक कोई गेम खेलते हैं लाइक चेस और समथिंग, और लाइक अ कार्ड गेम कि आप कार्ड्स फ्लिप कर रहे हो, मेमोरी कार्ड्स फ्लिप कर रहे हो। सो इट अब अगर आप उसको नॉर्मली खेलोगे मेमोरी कार्ड्स को कि अच्छा इस फोटो में ये था, इस फोटो में ये था, एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज देम, बहुत आसान होता है। बट इमेजिन व्हाइल डूइंग इट व्हाइल यू आर डूइंग पुशअप्स। सो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी इज अंडर स्ट्रेस एंड आपका जो रिएक्शन टाइम्स होता है उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आप उसके बाद सोच नहीं सकते, आपको एकदम से रिएक्ट करना है। हमारे पे एक स्पेशल मशीन भी होती है जिसमें लाइट्स आती है एंड वी प्रेस द लाइट्स, वो भी रिएक्शन ट्रेनिंग के लिए होती है। वी डू वेरी सिंपल थिंग्स लाइक जो ट्रेनर होंगे वो एक टेनिस बॉल पकड़ लेंगे दोनों हाथों में एंड दे ड्रॉप इट, और आपको कैच करनी है पहले, पर आपको पता नहीं हो किस हाथ से गिराएंगे। सो यू हैव टू बी लाइक दिस एंड एकदम से आपको नीचे जाके कैच करनी है बिफोर द बॉल फॉल्स, विदाउट मूविंग योर बॉडी और एनी थिंग, विदाउट मूविंग, जस्ट हैंड्स में। सो अ लॉट ऑफ दीज स्मॉल थिंग्स वी डू जस्ट टू कीप ट्रिगरिंग द ब्रेन कि हाँ इसमें शार्प रिएक्शन होने चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स वी डू, एंड देन ऑफकोर्स ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल इन दिस, सो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करते हैं।